हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में करेंगे। और ल्यूकोसाइट्स क्या है? ब्लड का फॉर्म एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स WBC एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई आपने कल किया था, जो इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, फेरस की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई पूछ ले तो जिसकी वजह से क्या है, हीमोग्लोबिन का ब्लड का कलर जो है वो हमें रेड दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। दे आर न्यूक्लिएटेड, और RBC क्या था? ई न्यूक्लिएटेड था, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था न्यूक्लियस। ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस वजह से हमने इसको न्यूक्लिएटेड बोला है। एंड आर रिलेटिव लेसर इन नंबर, अब ये जो है कंपेयर करें तो कम नंबर है। कितने? एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स, जब हम एक सर्फ मिलीमीटर क्यूब में देखते हैं तो इतने 6000 से लेकर 8000 तक हमें ल्यूकोसाइट देखने को मिलेंगे। इनकी जो लाइफ है कम है, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, वी हैव टू मेन कैटेगरीज, WBC की दो कैटेगरीज हैं। क्या है? ग्रैन्यूलोसाइट्स और एग्रैन्यूलोसाइट, मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो हमने उसको ग्रैन्यूलोसाइट बोल दिया, और ग्रैन्यूल्स अब्सेंट है तो हम उसे एग्रैन्यूलोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफाइल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ये सभी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट, ये ग्रैन्यूलोसाइट के नाम है। ठीक है, और जबकि जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो एग्रैन्यूलोसाइट है। ठीक है, याद रखिएगा साइट लिम्फो और मोनो दोनों क्या है? एग्रेनो है, और सारे फिल वाले क्या है? ग्रेन्यूलो में आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। क्या कहा इन्होंने? जो हमने जितने भी फिल्स किए हैं और जितने भी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो किए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है हमें? न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। कितने परसेंट मिल रहा है? 60 to 65% टोटल WBC का। फिर उसके बाद जो सबसे कम है वो क्या है? बेसोफिल्स है, 0.5 to 1%, और बचे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट वो कितने हैं? 6 to 8%। अब इनके रोल क्या है, भाई क्यों है ये WBC में दो टाइप्स जो है, क्यों उनको दो टाइप्स में रखा गया? भाई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट और एब्सेंट है, एक तो उसके बेस पे। अब इनका रोल क्या है, WBC में कर क्या रहे हैं ये? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो सबसे पहले उनको किनका सामना करना पड़ता है? न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स का। इनका सामना करेंगे, अगर वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म कम पावरफुल होगा, भाई वीक होगा, तो न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स को किल कर देंगे, और फिर हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अगर बाय चांस कोई भाई ताकत वाला, भाई बहुत ही फोर्सफुली जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो एंटर करेगा तो, और हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उनको भाई किल करने में, मारने में भाई असमर्थ रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो ग्रो करने लग जाएंगे जल्दी जल्दी, और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें बीमार होने से ये बचाते हैं, कौन? न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स। अब देखो बेसोफाइल्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये करते हैं रिलीज। ठीक है, ये केमिकल्स, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इन्फ्लामेटरी मान लो कई बार अब हमें चोट लगती है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और मान लो स्वेलिंग ही ना आए तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे चोट कैसे लगी है? रेडनेस आ जाती है तो वो पता कैसे चलेगा? तो क्या ये बेसोफिल्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनका क्या रोल है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स कितने परसेंट है? 2 to 3% जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका डायग्राम है। ठीक है, RBC का डायग्राम, प्लेटलेट्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रो, मोनोसाइट,
सॉरी टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट इन सब के डायग्राम दिखा रखे हैं इन्होंने। तो इओसिनोफिल जो होता है वो इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्या है, एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसे भी कॉज करता है। मान लो किसी से हमारी बॉडी को एलर्जी है तो वो रिएक्शन कौन कॉज करेगा, इओसिनोफिल करेगा, ठीक है। फिर हमारा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने परसेंट है, 22-25%। ये क्या करते हैं, दो टाइप के वो सेल्स बनाते हैं, कौन कौन से, बी और टी। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं ना एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है, तो वो एंटीबॉडीज जो है वो कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट बना रहे हैं। और बी की हेल्प कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट करता है, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, ठीक है। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनेंगे, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे WBC के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स देखिए, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। तो इन्होंने कहा है कि हमारी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स है, सेल्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 150,000 to 350,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो उन्होंने कहा कि इतने क्यूब्स, भाई 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के आसपास थ्रोम्बोसाइट्स होने चाहिए, ठीक है। और ये करते क्या है, कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड क्लोटिंग में और कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। इन रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या है, क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, मतलब अगर हमें इंजरी हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है और ये थ्रोम्बोसाइट्स कम है, तो क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। ब्लड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर सेक्रेट होने लग जाएगा। अब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो क्या, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है पूरी बॉडी में, वही ऑक्सीजन लेके जाता है, जो हम खाना खाते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। जब ब्लड ही नहीं होगा तो सारी प्रोसेस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ब्लड क्लोटिंग से फिर कौन बचा रहे हैं, हमें प्लेटलेट्स बचा रहे हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, ठीक है। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रो इट अपेयर टू बी सिमिलर। भाई आप जानते हो कि जो ह्यूमन बींग का जो ब्लड होता है वो अलग अलग होता है सब में, तो वो कुछ एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, और उनकी वजह से क्या, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं देखने को। तो टू सच ग्रुपिंग को इन्होंने डिफाइन किया, एक तो ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा RH नेगेटिव। कहते हैं ना बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस RH फैक्टर पर, ठीक है। तो इसे अभी हम डिटेल में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ABO ग्रुपिंग। तो देखो क्या बोला इन्होंने, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, ठीक है। दो सरफेस एंटीजन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंस और अब्सेंस पे, ठीक। ये है क्या, केमिकल स्टेट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब वो केमिकल्स है जो कि इम्यूनिटी कॉज करता है। कहाँ प्रेजेंट है ये, ऑन द RBC, ठीक, नेमली A and B। तो इन सरफेस एंटीजन पे ये डिपेंड करता है ABO। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। भाई एंटीबॉडीज क्या होता है, भाई प्रोटीन है एक तरह से, ये एंटीजन के रिस्पॉन्स से भाई प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लो कोई एंटीजन रिएक्ट करता है तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोटीन एंटीबॉडीज है। तो इन्होंने ये कहा है कि प्लाज्मा जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, उसके पास दो नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन फोर ग्रुप ऑफ ब्लड,
यही एंटीजन जो सरफेस एंटीजन है और जो प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज़ जो है इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने जो है चार ब्लड ग्रुप के नाम देती है ए बी ए बी एंड ओ। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है इसके बारे में। यू प्रोबेबली नो डैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्होंने कहा है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, जब हम ब्लड किसी को देते हैं तो ब्लड कैन नॉट बी यू एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, हम कोई ब्लड यूज़ नहीं कर सकते ऐसे बिना टेस्ट किए। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते अभी आगे देखेंगे। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू केयरफुली मैच, तो जो डोनर का जो है उसको मैच करते हैं रेसिपियंट से। ठीक है, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, किसी को भी ब्लड देने से पहले हम क्या है डोनर और रेसिपियंट जो रिसीव करता है उन दोनों का ही ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लंपिंग, मतलब जो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्ट ना हो, क्लंपिंग ना हो इस वजह से। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे किस बेस पे हमने इन्हें चार ब्लड ग्रुप के नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये चार ब्लड ग्रुप जो है देख लो, ए बी ए बी एंड ओ। सर आरबीसी के सरफेस पे ए पे ए एंटीजन है। ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बनेगा उसके किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये किस किस को अब ब्लड दे सकता है पहले ये कर लेते हैं, फिर डोनर ग्रुप को अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या है, बी सेम, और वो किसके अगेंस्ट काम करेगा, एंटी ए, मतलब ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट काम करेगा वो। ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है तो मतलब दोनों एंटीबॉडीज़ बनेगी तो वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडीज़ कोई से भी नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर जी ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा, पर प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडीज़ बनेंगे, दोनों ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बी बन रहा है जिसकी वजह से वो सिर्फ ए और ओ ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, या ए ब्लड ग्रुप जो है ए ब्लड ग्रुप वाला और ओ ब्लड ग्रुप वाला ही इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो डोनर ग्रुप्स बी ब्लड ग्रुप वाले के डोनर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बी एंड ओ। ए बी वाले के कौन से हैं, सारे, तो ये सबसे ले सकता है। ठीक है, ए बी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी इसको दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है इस वजह से। और ओ वाला है भाई, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं तो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही वाले से ही ये ले सकता है और बाकी दे ये सबको सकता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। दोबारा अगर एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जिन ए ब्लड ग्रुप जो है उनके पास ए एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ है बी, तो इस एंटीबॉडीज़ बी है तो अगर बी ब्लड ग्रुप वाले अगर इनको ब्लड देंगे तो उसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए इनको कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड ए और ओ। ठीक है, ऐसे ही बी है, एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी पे और एंटीबॉडीज़ है ए, तो वो कौन कौन उन्हें दे सकता है, बी और ओ। ठीक है, ए बी वाले को सभी दे सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बने हुए हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही दे सकता है। क्यों, क्योंकि उनके पास दोनों एंटीबॉडीज़ है, ए के अगेंस्ट भी है और बी के अगेंस्ट भी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते थोड़ा सा। फ्रॉम द अबव मैंशन टेबल इट इज़ एविडेंट डैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कोई आपसे पूछ ले कि यूनिवर्सल डोनर कौन है तो आप क्या बताओगे, ओ ब्लड ग्रुप। क्यों, क्योंकि वो सबको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सन विद ए बी, अगर ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड और ये सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, आरएच फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।